अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, दिसंबर का महीना है, मिड दिसंबर तकरीबन चल रहा है। आपको दिखाऊं कि स्नो थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, स्नो जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। मौसम आज अच्छा है काफ़ी, और आपको क्रिसमस की तैयारियां इनकी दिखाता हूँ। वो एक अलग बहस है कि क्यों मनाते हैं, मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए। जिस तरह हम लोग अपनी ईदें वगैरह मनाते हैं, और ये भी इनकी क्रिसमस होती है और ये क्रिसमस मनाते हैं अपनी। अभी सेंटर की तरफ जाने लगा हूँ, वही 5-7 मिनट की बस की राइड है, उसके बाद फिर क्रिसमस मार्केट है वो आपको दिखाऊंगा, और ये एक जिंजर ब्रेड सिटी अगर वो मुझे मिला तो वो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद छोटी मोटी डेकोरेशन है वो आपको दिखाऊंगा साथ साथ। फिर चलें जी, चलते हैं। अभी जो मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं ये क्रिसमस मार्केट है, इधर काफ़ी फैमिलियाँ, अगर कैमरा मैन ज़रा दिखाए, फैमिली अपने बच्चों के साथ इधर आती हैं। काफ़ी इधर झूले झूले काफ़ी लगे हैं, अंदर फूड स्टॉल लगे हुए हैं, और आज तो कदरे काफ़ी रश है क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट होते ही इनकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चों को लेके ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ मार्केट में, फिर आपको अंदर का टूर करवाते हैं। मुझे तो इधर आके मेले की याद आ गई है, जो हमारे शहरों में या गांव में लगता है, पीछे सारा वो ही जिसको हम डोली कहते हैं, इधर वंडर व्हील कहते हैं। और इधर ये देखें क्या ही नज़ारे हैं, अभी तो मेले याद आ गए हैं। अभी सारा मेला फिर के देख लो, इधर हालदा किन्नो मार्केट का जूस ना को बनावे ना को बेचे, छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का, चाचा पीवे ताया पीवे, छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का, बल्ले जी बल्ले ठंडा ठार दिल बहार, किन्नो मार्केट का जूस पिया चले, छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का, दूरों दूरों वेखण नाल पता नहीं लगता, पीतियां पता लगता है, पीतियां नजारे आंदे ने, बड़िया बड़िया जगह तो किन्नो मार्केट का जूस पीता होगा, इतों भी पी के वेखो इंशाल्लाह, बार बार पियोगे, छोटा ग्लास 10 रुपए का, बड़ा ग्लास 20 रुपए का, किन्नो मार्केट। अभी डोली पे बैठने लगा हूँ, टिकट के लिए अंदर जाने लगे हैं, टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर ऊपर के नजारे आपको दिखाते हैं। दो टिकट्स ले ली हैं, ऑलमोस्ट 130 क्रोनर। अभी आपको फिर डोली के ऊपर बिठाते हैं, बचपन की यादें आपकी ताजा करते हैं। हाँ जी जनाब, डोली पे बैठ गए हैं, लेकिन इसका मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में मज़ा आता है ना, हम लोगों के एरिए में जान से कहते हैं भाई जोर दी, भाई जोर दी। नहीं तो ये क्या है, डोली तो ना एक शहर तो चक्कर लगा दें, दूसरी शहर तो ला देंगे ने। हम बरगन म्यूनसिपैलिटी से दरख्वास्त करते हैं कि ये स्कैम बंद किया जाए ताकि लोगों को रोजगार के अच्छे मौके मिले, शुक्रिया। चलो खाने पीने की काफी शॉप्स लगी हुई हैं, ज्यादा मीठा ही है ये फार्मेसी। बाद अंदर आपको लेके चलते हैं अमेजिंग चॉकलेट वर्कशॉप पे। चॉकलेट की वर्कशॉप लगी हुई है, इनका क्रिसमस यही है मीठा। ये कपड़ों के छोटे छोटे स्टार लगे हुए हैं,
हाथ से बनी हुई चीजें। अभी मैंने आपको जो जगह दिखाई है इधर हाथ से बनी हुई टोपियाँ ग्लव्स ये लोग सारा साल हाथ से बनाते रहते हैं। फ्री होते हैं जो पेंशनिस्ट होते हैं लोग वो हाथ से बनाते रहते हैं और ये मार्केट में आके या वैसे कोई इनका त्यौहार हो तो फिर सस्ते वो आके बेचते हैं। एक तो इनके रोजगार चलता है इससे और दूसरा ये है कि घर में जरा थोड़ी सी एक्टिविटी रहती है। बड़ी अच्छी जगह आपका चक्कर लगे तो हाईली रिकमेंड है। ये 1 दिसंबर से लेके लास्ट ऑफ दिसंबर या 24 या 25 तक ये तकरीबन मार्केट रहती है। उसके बाद ये सारा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, तो ओपन स्पेस बन जाएगी। क्रिसमस मार्केट जिधर लगी हुई है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप रोड क्रॉस करेंगे तो ये आपको म्यूजियम में एक नज़र आएगा। म्यूजियम की बेसमेंट में क्रिसमस का एक त्यौहार है कि वो ब्रेड बनाते हैं, वो आटे से बना के उसके घर बनाते हैं सारे। तो इसमें सारे काफी ज्यादा, वो देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वो सिर्फ अंदर जाने के लिए, कि वो उसको कहते हैं कि पेपर काक है। तो वो बहुत से उन्होंने ब्रेड से घर बनाए हैं, वो आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। वो भी इस्तांबुल भी याद आ गई। ये जो है इन्होंने बेसिकली जो इस सिटी का मैप है उसको कोशिश की है कि उस तरह का बनाए कि इस तरह का ब्रिज जो है ना ये इधर भी है। आपको शायद मैं दिखाऊं पीछे बता के,
ये जी अभी मैंने जो आपको अंदर दिखाया ये सारी इन्होंने ब्रेड से बनाई हुई है। ये बर्गन जो सिटी है उसका पूरा तकरीबन मैप बनाने की उन्होंने कोशिश की है। काफी अच्छी जगह थी और पूरी दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो ये ब्रेड सिटी है ना वो इस जगह पे बनता है। तो अभी काफी अच्छी रिकमेंडेड जगह है। 150 करोड़ इसकी टिकट है अंदर जाने की। अच्छा एक्सपीरियंस है। दिसंबर के महीने में ये ओपन होती है जगह और एक महीना तकरीबन रहती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्रिसमस मार्केट आपको दिखा दी है। ये आपको अंदर जो सिटी था ब्रेड से बना वो आपको दिखा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से भी शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।